चार पांच वोट इनको, चार पांच सीटें इनके लिए ज्यादा मिली, इनकी सरकार बन गई। एक नारा चला था चुनाव के वक्त, विधानसभा चुनाव के वक्त, वक्त है बदलाव का। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से, चूंकि आप भी हमारी जवान है, आप भी हमारी आंख है, आप भी हमारी कान है, आप जिस बात को बूथ तक पहुंचा रही है वो बात मध्य प्रदेश के 29 विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथों तक और यहाँ के 4 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक बूथ तक पहुंचे। आज मैं जानना चाह रहा हूं मित्रों आप सभी लोगों से, और आप बताना वहां पर बूथ में जाके हमारे पालक और संयोजक बताएंगे बूथों पर जाके कि मध्य प्रदेश में क्या कोई बदलाव ढाई महीनों के दौरान आया है। आप हाथ उठा के बताएं कोई बदलाव आया है। किसी किसान का 2 लाख रुपए का कर्ज माफ हुआ हो तो आप बताएं, मैं 2 लाख रुपया इनके पुरस्कार देने के लिए तैयार हूं। एक भी आदमी का 2 लाख रुपए का कर्ज झूठे वादे, छोटे वादे और खोखले वादे जिनकी दम पे सरकार आई, नारा लगाया था पक्के बदलाव का, एक काम भी नहीं बदला। और बदले तो सिर्फ कर्मचारी अधिकारी बदले, कलेक्टर और एसपी बदले। एक कलेक्टर का ट्रांसफर सुबह होता है, पैसे लेकर दोपहर में निरस्त कर दिया जाता है और शाम के लिए उस कलेक्टर के लिए बाजू के जिले में मदद कर दिया जाता है। ऐसे 7 कलेक्टरों की सूची मेरे पास है, पुलिस अधीक्षकों की सूची मेरे पास में है। पैसा दे दिया तो पदस्थापना जिले में हो जाती है, अन्यथा आपको कमांडेंट बुला के बटालियन में भेज दिया जाता है। किस प्रकार की स्थिति, और ऊपर से लेकर नीचे तक हजारों कर्मचारियों के कुछ अखबारों ने पन्ने रिजर्व कर लिए हैं अपने, सिर्फ इसके लिए कि आज ट्रांसफर की कौन सी सूची आने वाली है, हम इस पन्ने पर इसको छाप सके। कभी कभी तो 2 पन्ने रिजर्व करना पड़ते हैं। ये बनते हैं बदलाव का, कर्मचारी बदलो, इधर का उधर, उधर का उधर। अरे कर्मचारी अधिकारी तो वो ये कहीं पेड़ से तोड़ के लाओगे क्या? हम जानना चाहते हैं मित्र इसके पीछे क्या है। आप सभी को मालूम है शायद ही मध्य प्रदेश का हमारा कोई कार्यकर्ता और नागरिक कल्पित हो कि आज कम से कम एक कलेक्टर और एसपी के लिए 2-2, 5-5 करोड़ रुपए की रिश्वत देके मध्य प्रदेश की पोस्टिंग के लिए जाना पड़ता है। हजारों करोड़ रुपए की रिश्वत लेके लोकसभा चुनाव की तैयारी में इनके मंत्री, मुख्यमंत्री सहित इनका पूरा संगठन मस्त है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों आप सभी लोगों से, इस बात को आप गांव गांव तक पहुंचाएं, नगर नगर तक पहुंचाए। आप बोले खुद के जिम्मेवार कार्यकर्ता, सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि जो मचा हुआ है मध्य प्रदेश, हमारी केंद्र की जो योजना है, एक भी योजना मध्य प्रदेश में सुचारू रूप से लागू नहीं हुई। कल यहां मुख्यमंत्री आए थे कमलनाथ, उन्होंने घोषणा की आरक्षण देंगे 10%। क्या एहसान कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश ने 2 महीने पहले दे दिया, गुजरात ने दे दिया, बिहार ने दे दिया, हरियाणा ने दे दिया, झारखंड ने दे दिया, यहां पर घोषणा कर रहे हैं। अरे दिया हुआ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का आरक्षण है, तुम्हारी क्या थराई है इसमें? हम जानना चाहते हैं। और सवेरे से उठते हैं कैची और फीता लेके, कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के नेता कैची और फीता जेब में लेके घूमते, कहा भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल का निर्माण कार्य हुआ है, हम उसका उद्घाटन कर रहे। मैं चुनौती देना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को, बता दें 2.5 महीने के अंदर यदि कहीं उन्होंने एक तसला गिट्टी सीमेंट लगवाया हो, एक ईंट कहीं किसी बिल्डिंग की लगवाया हो, मैं पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार। अब संतान किसी की और बल्दियत कोई लिखवारा पत्थर लगा रहा, आप सब लोग जानते हो हमारे बुंदेलखंडी में कहावत है, तेल जरे बाती दिया, तेल जरे बाती जरे और नाव दिया तो होए, और लल्ला खेले काव को और नाव दिया तो होए। ऐसा ही हो रहा नहीं? हाथ उठा के बताओ दोस्तों, ऐसा ही हो रहा कि नहीं हो रहा? तो ऐसी सरकार के लिए क्या जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? यहां के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह वो कहते हैं तो पुलवामा की घटना दुर्घटना मामले फेंका गया था, वो तो एक एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट था। वह अपना नाम चलाने के लिए अखबारों में, टेलीविजनों पे इस प्रकार के बयान देते हैं ताकि मालूम चले कि दिग्विजय सिंह जिंदा है। दिग्विजय सिंह आज भी काम कर रहा है, उनकी उंगलियों में और उनके मुंह में एक गुप्त रोग है। जब तक वो सुबह से अपनी उंगलियां नहीं चला लेते मोबाइल पे, कुछ लिख नहीं देते, कुछ ट्यूटर नहीं कर लेते, जब तक अपने मुंह से कुछ
देश के खिलाफ वो बयान नहीं देते थे तब तक दिग्विजय सिंह को भोजन का नसीब। और इसलिए मित्रों मैं कहना चाहता हूं, देश की सीमाओं पर संकट है और हमारे देश के कांग्रेस पार्टी के नेता, अपोजिशन के नेता, ठग गठबंधन के नेता और भी ज्यादा भयावह करना चाहते हैं, और भी ज्यादा घना करना चाहते हैं। आप सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है चारों संसदीय क्षेत्रों में आप इस बात को बताएं, आप जाएं लोगों के पास में। तो मैं मान के चलता हूं कि चारों लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम 3-3 लाख वोट की लीड लेकर अपने सांसद के लिए चुनेगी और नरेंद्र मोदी जी के लिए प्रधानमंत्री बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग कृपा पूर्वक पधारे, सभी को नमस्कार प्रणाम। एक्सप्रेस न्यूज के वीडियो अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यही वीडियो आप Facebook पे देख रहे हैं तो उन्हें लाइक कीजिए, और अगर आप कमेंट लिखना चाहते तो कमेंट भी लिखिए। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। नमस्कार।